चलिए हमारे एक्सपर्ट से हम शुरुआत करते हैं और पहली BTS की पिक आ रही है। हमेशा की तरह पारी की ओपनिंग करने वाले सचिन जी तैयार है अपने बिगुल के साथ। सचिन जी के लिए BTS का बिगुल। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी ये जो स्टॉक है मैं काफी समय के बाद ट्रेड कर रहा हूँ उसमें, स्टॉक का नाम है बॉश लिमिटेड। जिस तरीके से यहाँ पर इसका कंसोलिडेशन हुआ है मुझे लग रहा है यहाँ पर ब्रेकआउट की शुरुआती मोड में है। जिस तरीके से पोजीशन है मुझे लग रहा है यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 13,980 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनानी है। पोजिशनली इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 13,650 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको काफी छोटा है 13,100 के आसपास का, तो 200 पॉइंट की का स्टॉप लॉस होगा। बट मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये पैटर्न है लगभग अराउंड 700 पॉइंट तक की उछाल आ सकती है अगले एक से दो दिन में। ओके, तो बॉश खरीदे यहाँ पर 700 पॉइंट की तेजी यहाँ से बन सकती है और इसके लिहाज से करनी है आपको खरीदारी। 13,650 पहला टारगेट है और 13,980 दूसरा टारगेट, यहाँ पर तेजी करने की राय। और इस बीच जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी थोड़ा सा उछाल आया है बट फिर भी मैं यहाँ पर इनिशिएट करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट। जिस तरीके से यहाँ पर पिछले तीन दिनों का कंसोलिडेशन है तो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 1730 के आसपास का, 32 के आसपास का। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 1770 का एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है वापस एक बार 1800 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है एशियन पेंट में। जब मैंने आइडेंटिफाई किया वहां से ऑलमोस्ट 10 रुपया ऊपर है बट फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर प्राइस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। 1732 का होगा स्टॉप लॉस और पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1800 तक। तो एशियन पेंट्स में खरीदारी करने की राय है सचिन जी की तरफ से। आइए देखते हैं सुमित का सुपर हिट। कुछ और कॉल्स लेंगे पर उससे पहले एक बिगुल बजाते हैं सचिन जी के लिए BTS का। बताइए सचिन जी। दीप यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है फार्मा स्टॉक्स पे एंड जिस तरीके से बायोकॉन प्लेस्ड है मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 405 का टारगेट होगा, पोजीशन होगा टारगेट 400 तक का। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 412.30 का फ्यूचर्स में, 409 के आसपास ये सेल पोजीशन डिप्लॉय करनी है। तो थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है ओवरऑल फार्मा स्पेस में। मे बी ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है बट फिलहाल तो जिस तरीके से सेटअप है मुझे लग रहा है बायोकॉन बेस्ट प्लेस है ट्रेड लेने के लिए ऑन द शॉर्ट टर्म। ओके, बायोकॉन पर शॉर्ट करने की राय है आपके लिए आज ट्रेड में। यह है आपके लिए सचिन जी की तरफ से।